हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज टू जो आपके चैप्टर नंबर टू का ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसका ए पार्ट दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो। आपको नीचे ना ऑप्शन दिए होंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब आपको चार ऑप्शन दिए ऑल्टरनेटिव, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ये जो है क्वेश्चन आपका सब क्वेश्चन वो है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स डैश सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज। ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो लोगों को क्या प्रोवाइड करता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है कमर्शियल, ए इज अ कमर्शियल, बी सोशल साइंस, सी इंडिविजुअल एंड डी ग्रुप। तो आपको इन सब में से एक करेक्ट आंसर चूज करना है। एंड यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है सोशल सर्विसेस, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट मतलब ये जो कंसर्न है, कंसर्न मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट अर्न करने के मोटो से स्टार्ट नहीं हुई भी, ये है ना सर्विस रेंडर करने के लिए, सोशल सर्विस रेंडर करने के लिए स्टार्ट हुई भी ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसको सोशल हम क्या वर्ड क्या ऑप्शन चूज करेंगे, सोशल। तो यहाँ पे आपको फिलअप में सोशल सर्विसेज लिखना है, यू हैव टू राइट सोशल सर्विसेज। मतलब ये आपको एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, तो आपका आंसर बी सोशल, इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। देन द नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर टू जो है वो है डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज डैश। अगर मैंने जैसे आपसे पहले भी है ना, जब हमने सम्स तो इसके सॉल्व कर लिए हैं, सारा हमारे सारे टोटल है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 14 कंप्लीट हो गए हैं, एज वेल एज हमारे जो प्रीवियस जो इसके इलस्ट्रेशंस के वीडियोस हैं उसमें सारे इलस्ट्रेशंस भी हमने कवर अप कर लिए। तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप, मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है फंड को कि ये किस चीज़ के लिए डोनेशन दिया जा रहा है, तो उस डोनेशन को हम कैपिटल रिसिप्ट करके हम कंसिडर करते हैं, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपको, और डोनेशन है ना रिसीव हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आपको कैपिटल रिसिप्ट रिसिप्ट इसको राइट इसका ऑप्शन है आंसर टू का आपका ऑप्शन ए कैपिटल रिसिप्ट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप, फॉर किसके लिए, तो स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप के लिए हुआ, बिल्डिंग फंड के लिए हुआ, राइट। तो इस तरीके से जब आपको स्पेसिफाइड किया होता है स्कॉलर कोई भी डोनेशन फंड, तो हम उसको कैपिटल रिसिप्ट करके कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आपको थर्ड वन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इलस्ट्रेशंस कराते कराते मैंने बार बार रिपीट किया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ आपका क्या होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कैपिटल, ए इज अ कैपिटल, बी इज रियल अकाउंट एंड सी इज पर्सनल एंड डी इज नॉमिनल। तो आपको आंसर में लिखना है आंसर थ्री ऑप्शन डी नॉमिनल, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके आंसर थ्री के लिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट फोर्थ वन इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट। आपका अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर लास्ट में जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आपका आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, उसको कहाँ शो करोगे, आप कहाँ कौन से हेडिंग के अंडर में उसको दिखाओगे, राइट। तो आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज ए ऑप्शन, बी इज एन एक्सपेंडिचर, सी इज एन एसेट एंड डी इज कैपिटल फंड। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है एंड उसका आंसर है एन एसेट। ऑफकोर्स एसेट के अंडर में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका आउटस्टैंडिंग है वो हम एसेट्स के हम ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन के अंडर में, और उसको फिर उसका जो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम कहाँ पे उसको शो करते हैं, हम एसेट्स के अंडर में उसको शो करते हैं। तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग ईयर, इसीलिए यहाँ पे आपको हिंट दी गई है कि ये एट द एंड ऑफ द ईयर आप इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये आपको रिप्रेजेंट करना है एसेट करके, आपको ऑप्शन सी एंड एसेट करके आपको आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस।
तो यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब करंट ईयर में, चालू साल में आपको एडवांस रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब ये आपके करंट ईयर रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हमने सम्स करते टाइम पे डिस्कस किया था कि है ना, ये जो है ना कभी भी है ना, अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई एडवांस मिलता है तो मतलब वो करंट ईयर रिलेटेड नहीं है, वो आने वाले अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। तो मतलब प्री रिसीव्ड हुआ है, ये क्या हुआ है आपको, प्री रिसीव्ड हुआ है। तो प्री रिसीव्ड इनकम जब भी होती है तो हमने अब तक सीखा है कि प्री रिसीव्ड इनकम को हम लायबिलिटी करके ही कंसिडर करते, राइट। तो लेट्स फाइंड आउट द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे ए दिया है एन इनकम, बी दिया है एन एक्सपेंस, सी दिया है एन एसेट, एंड आपको डी दिया है अ लायबिलिटी। तो यस डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अ लायबिलिटीज होगा, इट इज अ लायबिलिटी बिकॉज आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है इसके लिए। देन द नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन, आपको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्मलेस। बार बार सम सॉल्व करने के टाइम पे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज डाउन किया, उस टाइम पे हमने ये जब भी हमने सरप्लस फाइंड आउट करने के टाइम पे हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्मलेस, मतलब इज नोन एज, इज कॉल्ड एज सरप्लस, राइट। तो आपको अभी ऑप्शन देखना है कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है, ए इज डेफिसिट, बी इज प्रॉफिट, सी इज सरप्लस एंड डी इज लॉस। तो ऑब्वियसली इट इज अ आंसर ऑप्शन सी सरप्लस, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी सरप्लस। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नोन द रिजल्ट। हाँ, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय वो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है कि वो उस फर्म की पोजिशन क्या है, नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन की पोजिशन क्या है। तो हम सबको जानते ही हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्योंकि हमने सारे सम सॉल्व किए, तो हमको पता है। फिर भी हमें यहां से देखना है कि फिर ऑप्शन कौन सा है। तो यहां ऑप्शन ए में आपको ट्रेडिंग दिया है, ऑप्शन बी में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है, ऑप्शन सी में आपको कैश दिया है, ऑप्शन डी में आपको रिसेप्शन पेमेंट्स दिया है। तो आप सभी जानते हैं कि यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बजाय हम है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आते हैं नेक्स्ट एट्थ वन पे, एट्थ वन यहाँ पे दिया है आपको कि द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है रिसिप्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का, यूजुअली रिप्रेजेंट, वो यूजुअली जनरली वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमने देखा है कि बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हमने हर बार जब हमें रिसिप्स एंड पेमेंट्स प्रोवाइड की गई थी इसका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए एनपीओ का, राइट। तो वहां पे हमने देखा था कि है ना कैश एंड बैंक बैलेंस, जो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा होता है वो हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस होता है। तो हमें पता है कि हमें क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन बी में दिया है कैश एंड बैंक बैलेंस, ऑप्शन सी में दिया है सरप्लस एंड ऑप्शन डी में दिया है डेफिसिट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी कैश एंड बैंक बैलेंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये क्लोजिंग बैलेंस है वो कैश एंड बैंक बैलेंस करके दिखाना है। देन द नेक्स्ट वन इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ये फर्स्ट जो फिलअप था, ये फर्स्ट जो हमको चूज करना था, वहां पे भी हमारा ये सर्विस सोशल करके हमने बोला था। तो यहाँ पे इसका मेन मोटो क्या था, प्रॉफिट नहीं होता है, सोशल वर्क करती है, मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सर्विस है, ऑप्शन बी ट्रेडिंग है, ऑप्शन सी प्रॉफिट मेकिंग है, एंड ऑप्शन डी इज कमर्शियल। तो ये आपका जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप यहाँ पे लिखोगे ऑप्शन ए सर्विस इज द करेक्ट आंसर। नाउ डी यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग इज अ डैश एक्सपेंडिचर। तो बिल्डिंग परचेस करने पे जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, तो ऑब्वियसली कोई बिल्डिंग परचेस करे तो कोई शॉर्ट टर्म वाला बात तो है नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का रहेगा, राइट। कोई खरीद लिया और बेच दिया ऐसा तो हो नहीं सकता, तो एटलीस्ट मोर देन वन ईयर का टाइम तो चला ही जाएगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपका ए इज अ कैपिटल, बी इज रेवेन्यू, सी इज जनरल एंड डी इज रिकरिंग। तो आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है ऑप्शन ए कैपिटल। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन नंबर वन जो आपके एक्सरसाइज में दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप का, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। तो ये 10 जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमने कंप्लीट की है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस। अभी हम आते हैं बी पार्ट पे। यहाँ पे बी आपको दिया है कि राइट द वर्ड
टर्म और फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब ये जो नीचे स्टेटमेंट दिया उनके लिए आपको एक वर्ड बताना है। जैसे हम कैसे क्विज के बोलते, पजल का कैसे बोलते, इस तरीके से यहाँ पे एक वर्ड आपको देना, सिंगल वर्ड देना, नेम अ वर्ड, राइट अ वर्ड फॉर द स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे बोला है द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी ओनली, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका आंसर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको लिखना है। देन द नेक्स्ट वन इज एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमने अबव उसमें किया ही है। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड जो लिखना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके लिखना है आपको, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, तो उसको हम स्पेसिफिक डोनेशन नहीं तो हम कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं। तो आप इसमें से दोनों में से कोई भी एक इसके लिए लिख सकते हो, इधर यू कैन राइट स्पेसिफिक डोनेशन और कैपिटल रिसीप्ट। देन द फोर्थ वन इज द रिसीप्ट्स व्हिच आर नॉट रिकरिंग नेचर, रिकरिंग नेचर के नहीं है, जो मतलब है ना चलते रहने वाले जैसे नहीं है, राइट, तो वो परमानेंट टाइप में आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा कैपिटल रिसिप्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स, खाली रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड करता है इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कि है ना खाली रेवेन्यू आइटम्स को ही कंसिडर करता है, राइट। तो यहाँ पे रेवेन्यू इनकम हो सकती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो सब किस में होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट लिखा नहीं है, थोड़ा सा स्पेस का ये है और मुझे फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है जैसे आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंशन करना है। देन द नेक्स्ट सेवेंथ वन इज अकाउंट्स विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, खाली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंडर में ऐसा कौन सा अकाउंट है जो ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, तो वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको लिखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फुल आपको स्पेलिंग लिखनी है कंप्लीट, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, एक इनकम जो है ना आप अर्न तो करते हो ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आप करंट ईयर में वो अर्न तो कर रहे हो लेकिन आपको करंट ईयर में रिसीव नहीं होती है वो, मतलब आप उसको रिकॉर्ड तो ऐसे रिकॉर्ड करते हो कि हाँ ये आपको मिल गई वो रिकॉर्ड करते हो, पर मिलने वाली है रिलेटेड टू द करंट ईयर, ऐसे भी आप रिकॉर्ड करते हो बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो जो मिलने वाली है अभी तक मिली नहीं है, नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, आउटस्टैंडिंग O/S, मतलब आउटस्टैंडिंग आपको कंप्लीट स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है, आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन यहाँ पे है एट्थ वन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, माई डियर स्टूडेंट्स जब भी मैंने सम सॉल्व किए थे बार बार में हर सम में मैंने मोस्ट प्रोबेबली ये रिपीट किया है, आपको दिखाया भी है कि क्रेडिट बैलेंस हुआ है, दैट मीन्स इनकम साइड मोर है मतलब सरप्लस है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि हमें ना क्रेडिट साइड में हमारे राइट हैंड साइड में हम इनकम बनाते हैं ना, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर होता है, राइट। तो जो राइट हैंड साइड में हम क्रेडिट लिखते हैं CR, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस, इनकम ज्यादा होना मतलब सरप्लस, तो आपको क्या लिखना है, सरप्लस इज द करेक्ट आंसर वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड इसके लिए करेक्ट टर्म यूज करना है, वो होगा सरप्लस। नेक्स्ट वन इज नाइन्थ वन द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लाइबिलिटीज, जब टोटल एसेट्स ज़्यादा होते हैं टोटल लाइबिलिटीज से ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो उसका जो अबव ओवर एंड अबव अमाउंट होता है उसको हम कैपिटल फंड करके, तो येस माई डियर स्टूडेंट्स ये वाला भी हमने है ना ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके हमने बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड निकालना सीखा है। तो इसका मतलब उसमें हमने क्या किया था, हम टोटल एसेट्स, हम एसेट साइड को क्लोज डाउन किए थे और फिर लाइबिलिटी साइड में जो भी आइटम्स थे वो टोटल एसेट्स में से माइनस किए तो हमको कैपिटल फंड मिला था। तो यहाँ पे इसको हम स्टेटमेंट को यूज करते हैं कि द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स का ज्यादा होना ओवर टोटल लाइबिलिटीज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड। तो यहाँ पे आपको पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फंड, राइट,
व्हाट डज कैपिटल फंड मीन, तो यही आंसर लिखना है आपको, द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड। तो इस तरीके से ये हम लिखते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे 10th, ऑल सच रिसिप्ट विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो रिकरिंग नेचर के नहीं है, नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ ए रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, रेगुलर वो है ना हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बनता है फर्म का, राइट, तो उसको हम कौन सा रिसिप्ट बोलते हैं, तो जो इरेगुलर होता है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है रिसिप्ट इनकम, ओके, इनकम नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, रिसिप्ट कोई नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड यूज करना है वो है आपका कैपिटल रिसिप्ट, तो आपको ये कैपिटल रिसिप्ट आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट बी था, राइट द वर्ड और टर्म और फ्रेज, ये हमने यहाँ पे 10 कंप्लीट किए हैं। कुछ नहीं है यहाँ से, यहाँ बस थोड़ा घुमा के है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको टर्म्स पता है, आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पता है, तो जरा भी डिफिकल्टी नहीं होगी आपको ऑब्जेक्टिव्स भी अटेम्प्ट करने के लिए, और आपको ऑब्जेक्टिव्स भी अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स मिस किए तो मतलब आप आउट ऑफ तो लाना भूल ही जाइए। इसीलिए मैं बार बार इस तरीके के टर्म आप देखिए, मैं जब आपको अकाउंट्स कराती हूँ, सम कराती हूँ, तो उस वक्त मैं बार बार रिपीट करती हूँ, उसका कारण यही है। और ये जो ऑब्जेक्टिव काइंड के क्वेश्चन, इसीलिए मैंने पहले कंप्लीट नहीं किए, मैं चाहती थी पहले सम सॉल्व करते करते आपको बार बार ये रिपीटेशन हो जाए वर्ड्स के, तो आपके माइंड में लॉक हो जाए, फिर मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँ, ठीक है। तो अभी आते हैं हम सी पार्ट पे। यहाँ पे सी दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको फाइंड आउट करना है कि ट्रू और फॉल्स है क्या। अभी रीजन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने ट्रू एंड फॉल्स किया है। तो अभी देखिए, फर्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, तो इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, तो ये तो सच्ची बात है, ये ट्रू है। तो इसका रीजन क्या दोगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हैव द मोटिव ऑफ गिविंग सर्विस और रेंडरिंग सर्विस टू द सोसाइटी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका रीजन, ठीक है। देन द सेकंड वन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं क्या, ये एनपीओ नहीं, एनपीओ में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही दूसरा अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर होता है, दिस इज द रॉन्ग, राइट, तो आपको इसको फॉल्स लिखना है, क्या फॉल्स, हाँ ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसके लिए आप करेक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका रीजन दोगे, तो रीजन दोगे कि एज charitable institutions prepare income and expenditure account at the end of every financial year, इस तरीके से आपको उसका आंसर देना है। Then the third one is there is no difference between receipts and payments account and income and expenditure account, तो ये तो गलत बात है, एकदम false है, क्यों, देखिए मैं सम्स कराते कराते बार बार आपको रियल अकाउंट की बात कर रही थी, नॉमिनल अकाउंट की बात कर रही थी, तो रियल अकाउंट मैंने किसको कहा था, रियल अकाउंट मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के लिए बोला था, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, राइट, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, इसमें मेजर डिफरेंस है, राइट, तो यहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है, फिर इसका डिफरेंस लिखना है कि देयर इज ये जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ, आपको लिखना है कि इट्स अ रियल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फोर्थ वन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स इधर सरप्लस और डेफिसिट, यस सही बात है, ट्रू, सो लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल्सो शोज द कंडीशन, राइट, ऑफ द बिजनेस, इट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। फिर द नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता क्या, होता है ना, मैं आपको कितने बार बोलती हूँ, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स रीड करते हैं आपको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके दिखाई देता है सबसे फर्स्ट आइटम क्वेश्चन के अंदर, और मैं उसको बोलती हूँ कि ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ी हाँ तो हमको इसको यूज करना है, नहीं तो हमको नहीं यूज करना है, तो मतलब ओपनिंग बैलेंस तो होता है, तो यूजुअली 99.99% वहां पे भी ओपनिंग बैलेंस तो होता ही है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अनलेस एंड अंटिल वो कोई नया बिजनेस ना हो, राइट, नया बिजनेस हो तो फर्स्ट ईयर नहीं रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर में तो कुछ ना कुछ रहेगा, राइट, तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट हैव एन डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंसेस, ऐसा नहीं है, ओपनिंग बैलेंसेस हो।
यहाँ पे ये सेवेंथ वन में परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं, ये एसेट्स होते हैं। तो जो एसेट्स के अंडर में जो भी होते, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते, लॉन्ग टर्म के लिए परचेस होते हैं इक्विपमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे आपको ये जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आपको इसको ट्रू लिखना है। येस दीज आर द एसेट्स फॉर द स्पोर्ट्स क्लब, राइट। इक्विपमेंट्स आर द एसेट्स फॉर द स्पोर्ट्स क्लब। कैसे एसेट्स हुए? आप मान लीजिए, जैसे मैं आपको जिम का एग्जांपल दूँ, तो जिम में क्या होता है, वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं एक्सरसाइज करने वाले, वो क्या थ्रो थोड़ा ना कर देते, मोर देन वन ईयर की एक्सपेंडिचर ही हो गई वो एक तरीके से, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो वैसे स्पोर्ट्स यहाँ पे भी है ना, जो ग्रास कटिंग करने की मशीन हुई, राइट। तो जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में आते हैं। तो ये आपका आंसर ट्रू होता है। देन द नेक्स्ट वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। नो डियर स्टूडेंट्स, ये रियल अकाउंट थोड़ी ना होता है। हमने इतने बार डिस्कस किया कि ये जो हमारा है ये रियल अकाउंट नहीं होता है। ये क्या होता है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, रियल अकाउंट नहीं बोलते। तो यहाँ पे इसको हम फॉल्स लिखेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, नाइन्थ वन, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कंटेन्स ओनली द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू करंट ईयर। तो करंट ईयर रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही यहाँ पे होते हैं नहीं, क्योंकि हम तो इसमें प्रीवियस ईयर का भी दिखाई देते हैं, इंक्लूडेड होते हैं अमाउंट्स जो आउटस्टैंडिंग होता है और प्रीवियस ईयर का, वो यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं बिल्स में, पेमेंट्स के अंडर में, राइट। तो ये खाली प्रीवियस ईयर का नहीं होता, सब्सक्रिप्शन होता है वो भी है ना प्रीवियस ईयर का होता है, वो रिसीव हुआ हुआ रहता है। तो इस तरीके से फिर ये मतलब ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली करंट ईयर का, ओनली करंट ईयर का तो हम है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं, ना कि रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में, ओके। देन द टेंथ वन इज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। तो एसेट्स ज्यादा होना और लायबिलिटीज कम होना, उसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं। तो दैट इज ट्रू, तो आपको इसको ट्रू लिखना है, दैट एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपको ये ट्रू एंड फॉल्स लिखने हैं और उनका रीजन भी आपको लिखना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर लेना है आपको। अभी आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। अभी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले जो आपको दिया है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर इज एंगेज इन ट्रेड एक्टिविटीज इन डैश एक्टिविटीज। तो ट्रेड एक्टिविटीज क्या होती है, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाली बात आती है, जहाँ पे है ना हम प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है ये, बिजनेस रिलेटेड ये कैसे, ये सर्विस ओरिएंटेड है। ये ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सर्विस ओरिएंटेड होती है। तो यहाँ पे इज नेवर एंगेज, नेवर, ये नेवर वर्ड से आपको पता चलेगा कभी भी नहीं, नेवर इज एंगेज इन ट्रेड एक्टिविटीज। तो यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज आएगा। अगर आपने यहाँ पे सर्विस एक्टिविटीज लिख दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नेवर फिर ये ऐसे हो जाएगा कि ये कभी सर्विस देती ही नहीं है। तो आपको केयरफुल रहना है, देखना है नॉट नेवर ये सब यूज किया है क्या, ऑलवेज यूज किया है क्या, यूज किया, तो ये भी आपका बहुत मैटर करता है क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो यस माई डियर स्टूडेंट्स, हमको इसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, क्योंकि ये ओपन ही इसीलिए होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स की, ताकि वो है ना सर्विस रेंडर कर सके सोसाइटी में, लोगों को सोशल सर्विस दे सके, राइट। तो यहाँ पे देन द नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश अकाउंट। कौन से अकाउंट में के अंडर में आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, तो रियल अकाउंट। ये तो ये सब तो आपको भी बहुत अच्छे से आते होंगे, क्योंकि सम सॉल्व करते करते इनकी बातें मैंने बहुत की है, राइट, बार बार मैंने रिपीटेशन किया है। तो आई होप आपके माइंड में एकदम फिट होंगे, फिर भी एक रिविजन हो जाना अच्छा है एग्जाम्स के पहले, तो फिर से मैं रिवीजन करने वाली हूँ सब। देन द फोर्थ वन इज इन रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट द समरी ऑफ डैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें, रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट में। तो आपको कैश वर्ड यूज करना है, कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। देन द फिफ्थ वन है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू डैश अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। तो ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी चलती है, तो वो ट्रेडिंग कंसर्न जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। हमने बहुत बार बोला है, मैं बार बार बोलती हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, हम वहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं और यहाँ पे हम सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करते हैं। ये मेजर डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज
क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट शोज कैश पेमेंट्स, तो ये कौन सा पेमेंट दिखाते हैं, तो कैश पेमेंट दिखाते हैं, क्योंकि रिसिप्शन पेमेंट साइड में यहाँ पे जब भी रिसिप्शन पेमेंट्स आप देखिए, हमने बात की है, हमने फॉर्मेट देखा, इतने सारे सम देखे, तो माइंड में तो एकदम फिट होंगे कि आपको कभी भी आपके राइट हैंड साइड में आपको है ना पेमेंट दिखाई दे रहा है, और राइट हैंड साइड में आप सीआर लिखते हो ऊपर राइट, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड जो होता है रिसिप्शन पेमेंट्स का, उसको हम अपना लॉजिक यूज करना है, ब्रेन यूज करना है, बाकी कुछ नहीं है, पेमेंट्स आएगा ठीक है। अगर एग्जाम में भी आ जाता है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, इसका इससे रिलेटेड एक सम तो कंपल्सरीली होगा ही होगा, वहां पे क्वेश्चन में जाके देखोगे रिसिप्शन पेमेंट्स तो दिया ही दिया होगा, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस कैसे होती है वैसा होता है राइट। हमको ट्रेडिंग अकाउंट का फाइनल अकाउंट निकालने के लिए, ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट निकालने के लिए ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, और यहाँ पे एनपीओ में हमें रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट दिया रहता है, तो ये है ना आपका क्रेडिट साइड में दिखाई देता है, पेमेंट्स जो दिखाई देता है वो कैश पेमेंट्स होता है। देन द सेवेंथ वन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, तो हमने पहले बोल दिया था, पहले भी डिस्कस हुआ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये जस्ट लाइक आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे होता है, तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट के अंडर में लाते हैं कैटेगरी, जहाँ पे हम बोलते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये इसका रूल है, गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट का राइट। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स, मुंबई यूनिवर्सिटी ले लो, आपकी कॉलेज ले लो, आपकी कॉलेज प्रिपेयर करती है अकाउंट्स, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल ले लो, तो ये सब जो होते हैं वो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है उनके उसमें इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कोई ट्रेडिंग कंपनीज नहीं है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिल करना है यहाँ पे ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज, हाँ मेंबर सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करते हैं, रिसीव करते हैं हम लोग, किसी भी फर्म को पेमेंट करते हैं वो, अब फर्म उसको रिसीव करते हैं, तो फर्म के लिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, क्योंकि वो रेगुलर इनकम होती है, हर साल उनको रेगुलरली मिलते रहता है, तो उसको हम रेगुलर इनकम होने की वजह से हम उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, रेगुलर रिकरिंग नेचर के होते हैं राइट। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर रिलेटेड टू द डैश ईयर, तो ऑब्वियसली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम बार बार क्वेश्चन करने के टाइम हमने बोला ही था कि आपको करंट ईयर जो पर्टिकुलर जिस साल की आपको बैलेंस शीट बनानी है राइट, जिस साल का परफॉर्मेंस आपको बनाने बोला, एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको सरप्लस है कि डेफिसिट निकालने बोला, तो उसको करंट ईयर बोलते, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का ही बनाते हैं, तो वहां पे हम बैलेंसेस जो होते हैं वो भी सारे करंट ईयर रिलेटेड ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से ये जो डी है आपका क्वेश्चन नंबर वन का डी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमने कवर अप किया, आई होप ये जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। देन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ई दिया है आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, माय डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे है ना मैंने थियोरी पार्ट में भी कवर अप किए हैं, तो आप ये पीडीएफ खोलोगे तो आपको दिखाई देगा, तो आपको व्हाट डू यू मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सब आपको अभी लिख लेना है, क्योंकि यही सारी बातें हमने ऊपर सारे फिलअप एंड ऑब्जेक्टिव्स में ऊपर के दिए हुए एमसीक्यूज में डिस्कस की है राइट, तो आपको ये खुद से अभी प्रिपेयर कर लेना है। अगर इससे रिलेटेड आपको डाउट होगा तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देन नेक्स्ट वन इज कम्प्लीट द टेबल, तो कम्प्लीट द टेबल यहाँ पे आपको टेबल कम्प्लीट करने बोला है, आपको यहाँ पे देखिए इनकम हेडिंग दी है, एक्सपेंडिचर हेडिंग दिया है, तो और आपको सरप्लस स्लैश डेफिसिट, ऐसे क्यों दिया सरप्लस स्लैश डेफिसिट, क्योंकि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जब प्रिपेयर करते हो राइट, तो आप देखते हो कि आपकी इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और उसके बेसिस पे आप है ना डिफरेंस फाइंड आउट करते हो, और वो डिफरेंस आपका या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है, तो आपको यहाँ पे एक ब्लैंक दिया रहेगा, आपको है ना गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इनकम आपको 10,000 दी है, ये रेड वाला मैंने लिखा हुआ है आंसर, तो ये रेड आपने देखिए इस वक्त देखिए ये इनकम आपको 10,000 दी होगी, सरप्लस स्लैश डेफिसिट बोला है, लेकिन यहाँ पे सरप्लस स्लैश डेफिसिट डेफिसिट के नीचे आपको 5,000 एंड ब्रैकेट में बोला है डेफिसिट, डेफिसिट मतलब लॉस राइट, तो 5,000 का डेफिसिट हुआ है, मतलब ये कब होता है जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो आप अब कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो इनकम है 10,000
प्लस ये आपका है ना डेफिसिट का अमाउंट दिया हुआ है 5000, उसको टोटल करोगे तो वो 15000 का जो अमाउंट है वो आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये है आपका एक्सपेंडिचर का अमाउंट। तो आप अगर देखते हो कि 15000 एक्सपेंडिचर में से 10000 इनकम माइनस करते तो 5000 का डेफिसिट, वही आपको घुमा के एडिशन करना है। अभी यहाँ पे देखिए इनकम आपको दिया 8000 और आपको सरप्लस दिया है 4000, तो सरप्लस 4000 दिया मतलब प्रॉफिट दिया है, तो मतलब आपकी इनकम ज़्यादा होगी, एक्सेस ऑफ इनकम होगा ओवर एक्सपेंडिचर। तो आपको इस केस में क्या करना है, 8000 माइनस सरप्लस करना है 4000, तो आपको एक्सपेंडिचर वो है वो 4000 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको फाइंड आउट करना है, कंप्लीट करना है टेबल को। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको इनकम के अंदर में क्वेश्चन मार्क दिया है और एक्सपेंडिचर आपको 15000 दिया है और सरप्लस आपको 8000 दिया है, तो ऑब्वियसली 15000 प्लस 8000 आप करोगे। जब सरप्लस दिया है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर दिया है एंड सरप्लस दिया, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको इनकम मिल जाएगी, क्योंकि सरप्लस कब होता है, जब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, राइट। तो फिर आपको 15000 प्लस 8000 करने पे 23000 आपका इनकम होगा। अगर ये आपको सम्स में कॉन्सेप्ट समझ में आए थे सम सॉल्व करने के टाइम पे, तो इजीली ये आप कवरअप कर ही सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं। अभी यहाँ पे देखिए इनकम आपको 7500 दिया है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे 9000 दिया है, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, तो ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कि आपके एक्सपेंडिचर का अमाउंट मोर है कंपेरेटिव टू इनकम के अमाउंट, राइट। तो इसका मतलब आपका डेफिसिट अराइज होने वाला है, राइट। तो आप क्या करोगे, 9000 माइनस 7500 करोगे तो आपको 1500 आंसर आएगा और ये आपका डेफिसिट होगा। तो फिर ये क्या होगा, डेफिसिट। क्यों डेफिसिट है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है, इसके लिए डेफिसिट है। Then the next one, fifth one is 15000 आपको इनकम दी है एंड एक्सपेंडिचर आपको 11300 दिया है, तो आप देखो इन दोनों को कंपेयर आपको और इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया कि सरप्लस है या डेफिसिट है, फाइंड आउट करो। तो आप देखो अमाउंट यहाँ पे इनकम का टोटल ज्यादा है कंपेरेटिव टू एक्सपेंडिचर। जब आप 15000 माइनस 11000 करते हो तो आपको 3700 आता है, वो आपका क्या होता है, सरप्लस होता है। तो ये सरप्लस करके आप फिल करोगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। द नेक्स्ट वन इज सैलरीज पे ड्यूरिंग द ईयर, कितनी सैलरी है ना ड्यूरिंग द ईयर, कितनी सैलरी पे की है वो वाला आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे टोटल सैलरी दिया हुआ है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको हेडिंग दी है प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे प्रीपेड वर्ड यूज किया है, प्रीपेड। कितना प्रीपेड सैलरी है, तो 100 प्रीपेड है, इसका मतलब 100 रुपीज प्रीपेड सैलरी है। तो प्रीपेड सैलरी होती है उसको हम क्या करते हैं, हमको तो एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर चाहिए, हमको तो करंट ईयर का चाहिए एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। तो आप क्या करोगे, 1100 माइनस 100 करोगे तो आपको 1000 जो आएगा वो आपका एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर होगा। अभी द नेक्स्ट वन इज व्हाट, 2700 आपके टोटल सैलरी, उसमें प्रीपेड इंक्लूडेड है, इसका मतलब प्रीपेड यहाँ पे वर्ड दिया मतलब प्रीपेड भी इंक्लूडेड है। कितने प्रीपेड इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, प्रीपेड का अमाउंट नहीं दिया है और आपको एक्सपेंडिचर के अंडर में 2000 दिया है, एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2000 का है, तो आप डिफरेंस निकालोगे, 2700 माइनस 2000 करोगे तो आपको यहाँ पे 700 ये डिफरेंस आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे हो गया। फिर नेक्स्ट आपको क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 1200 का आपको, सॉरी यहाँ पे थर्ड वाला 8250 का आपको प्रीपेड दिया है, तो प्री सॉरी 8250 आपको टोटल सैलरी दी है प्रीपेड के और आउटस्टैंडिंग के कॉलम के अंडर में, आपको आउटस्टैंडिंग यहाँ पे प्रीपेड वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 6650 दिया है। तो आपको क्या करना है, 8250 माइनस 6650 जब आप करोगे तो 1600 का डिफरेंस आएगा, वो आपका प्रीपेड का अमाउंट हुआ। द फोर्थ वन है यहाँ पे 1200 टोटल सैलरी है, अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग है, तो 200 आउटस्टैंडिंग है। तो जब आउटस्टैंडिंग होता है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, वो भी है ना करंट ईयर रिलेटेड होती है, तो हम उसको ऐड करते हैं। तो आप क्या करोगे, ड्यूरिंग द ईयर की है तो आप 1200 प्लस 200 करोगे तो 1400 आपका एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर आपको रिकॉर्ड करना है। देन द नेक्स्ट वन इज आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है फिफ्थ वन में टोटल सैलरी के, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया है 600 और एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर आपको 5100 दिया है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड यहाँ पे आपको
आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया है, तो मतलब इसमें 1500 में ये 600 इंक्लूडेड, इसमें 600 इंक्लूडेड है राइट, इसमें 600 इंक्लूडेड है 5100 में, क्यों? क्योंकि हम तो है ना टोटल जो सैलरी प्लस हम आउटस्टैंडिंग करके फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर लिखते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है 5100 माइनस 600 करना है तो आपको 4500 आएगा, वो आपका सैलरी ड्यूरिंग द ईयर जो पेड हुई है वो एक्चुअल पेमेंट जो किया हुआ है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट आपको दिया एक्चुअल में 1800 पेमेंट हुआ, अभी भी देना बाकी है सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है तो वो आपको निकालना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपको 2200 का फॉर द ईयर का एक्सपेंडिचर है आपका, तो 2200 माइनस 1800 करोगे तो आपको 400 का जो एक्सपेंडिचर है वो आउटस्टैंडिंग आपका जो सैलरी है वो यहाँ पे आपको दिखाना है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अभी नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना है ना एक्चुअल में कितना ड्यूरिंग द ईयर रिसीव होना है, एक्चुअल रिसीव रिसिप्ट निकालना है आपको, तो टोटल कितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो 1300 रिसीव हुआ। अभी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि रिसीव्ड इन एडवांस 200, मतलब 200 रुपया एडवांस रिसीव्ड इसके अंदर 1300 में इंक्लूडेड है, तो जब एडवांस रिसीव्ड होता है तो हमको उसको माइनस करना होता है राइट, तो हम क्या करेंगे 1300 माइनस 200 करेंगे तो हमको 1100 इनकम फॉर द करंट ईयर का हो गया। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेकेंड वन में आपको टोटल रिसीव्ड में कितना रिसीव हुआ उसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, रिसीव्ड इन एडवांस में आपको 400 रुपीज़ दिया है एंड इनकम फॉर द ईयर में आपको 1400 दिया, तो इसका मतलब ये एडवांस रिसीव हुआ है 400 और ये आपका करंट ईयर का है एक्चुअल जो आपको करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है, तो आप 1400 प्लस 400 करोगे तो 1800 आपको रिसीव हो चुका, लेकिन इस 1800 में 400 रुपया एडवांस में रिसीव हुआ हुआ आपका रेंट है, तो इसलिए आपको इस तरीके से इसको 1400 प्लस 400 करोगे तो 1800 होगा। देन यहाँ पे देखिए थर्ड वन 2650 टोटल रिसीव हुआ है और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ रिसीव्ड इन एडवांस और एक्चुअल जो है ना करंट ईयर रिलेटेड कितना है 2000, तो आप क्या करो 2650 माइनस 2000 करोगे तो ये जो 650 है वो आपका एडवांस का अमाउंट होगा, वो एडवांस अमाउंट होगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग है, अभी भी रिसीव होना बाकी है रेंट, ओके तो यहाँ पे आपको 290 रिसीव होना बाकी है बोला है और यहाँ पे है ना 3190, तो ये 3190 में आपका ये 290 इंक्लूडेड हो गया, क्योंकि हम ऐड करके लिखते हैं ना आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का होता है वो, तो टोटल तभी तो इनकम फॉर द ईयर हो गई, तो 3190 माइनस 290 करोगे तो आपको 2900 आएगा, ये जो टोटल रिसीव हो चुका और बकाया है अभी भी बाकी है, तो कितना बाकी है 290 बाकी है इस तरीके से। नेक्स्ट है फिफ्थ वन 1700 एक्रूड, एक्रूड में क्वेश्चन मार्क डाला है और यहाँ पे इनकम फॉर द ईयर दिया 21250, तो ये 21250 में ऑब्वियसली ये अभी यहाँ का अमाउंट इंक्लूडेड होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है 2150 माइनस 1700 जब आप करोगे माइनस 1700 तो आपको यहाँ पे 450 अमाउंट आएगा, ये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। देन सिक्स वन इज व्हाट 2600 एक्रूड है राइट, तो फिर 2600 टोटल रिसीव्ड है, एक्रूड आपका अमाउंट है 500 रुपीज राइट, तो फिर आपका 2600 प्लस 500 करोगे तो 3100 आपका टोटल इनकम फॉर द ईयर होगा। ये सब बाद में कराने का मेरा रीजन यही है कि सम्स कराते कराते इनकी प्रैक्टिस हमने कर ली, तो ये क्या ओरली जब जा रहा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में तुरंत क्लिक हो जाए करके ये मैं अभी इसको लास्ट में ही करवा रही हूँ। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर जी एंड एच है वो मैं मेरे जी वाला जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर अप करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़े कैलकुलेशन पार्ट आपको बताने पड़ेंगे, उससे पहले हम ये एच वाला कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड ऑड वन तो फाइंड ऑड वन मतलब आपको ऑड मैन आउट जैसे आपने किया है स्कूल्स में भी आपने सीखा है ऑड मैन आउट राइट, साइंस में किया है आपने, लैंग्वेजेस में भी आपने किया है राइट, तो उसी तरीके से इसमें भी है कि आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है, जोड़ी जो नहीं मैच हो रही है यहाँ पे वो आपको हटा देनी है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट, बैलेंस शीट। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तो है ना प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले अकाउंट्स राइट,
वॉट अबाउट दिस रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट? ये रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट तो ना एनपीओ का है, तो ये इसके इनके साथ मैच नहीं हो रहा, ये बेचारा अकेला ऑड वन हो गया, अकेला है ना, सिंगल ऑड वन मतलब सिंगल जो है ना मैच नहीं होता, तो यहाँ पे हम ऑड वन आउट में क्या लिखेंगे, रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट, ये ऑड वन आउट है। देन द सेकेंड वन इज वॉट, मशीनरी एसेट हो गया, फर्नीचर एसेट हो गया, कंप्यूटर्स भी एसेट हो गया। सैलरीज क्या है? सैलरीज तो नॉमिनल अकाउंट, ये सब तो सारे एसेट्स है, ये तो रियल अकाउंट्स हैं, ये सारे के सारे रियल अकाउंट्स हैं। सैलरी रिकरिंग नेचर वाली है, ये मशीनरी फर्नीचर कंप्यूटर नॉन रिकरिंग नेचर वाले, तो ये बेचारी सैलरी अकेली पड़ गई, राइट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, बाकी सारे के सारे हम है ना कहाँ पे दिखाते हैं, एसेट्स के अंडर में दिखाते हैं। एनपीओ के अंडर में हम इसको सैलरीज को कहाँ पे दिखाते हैं, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। तो ये तो अकेला हो गया, सिंगल ऑड वन है, तो इसको हमें ऑड वन कंसिडर करना है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट थर्ड वन, सब्सक्रिप्शन की बात आई, फिर स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव, लॉकर रेंट रिसीव। तो सब्सक्रिप्शन भी रिसिप्ट हो गई, एक तरीके से इनकम, रिकरिंग इनकम रिसीव होना हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी इनकम हो गई, लॉकर रेंट रिसीव्ड भी इनकम हो गई। तो व्हाट अबाउट स्टेशनरी? तो स्टेशनरी तो क्या है, स्टॉक है, तो ये हमें ऑड वन आउट करके कंसिडर करना है। देन नेक्स्ट वन इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, वैन, विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट्स क्लब, जैसे मैंने आपसे कहा था आपकी स्कूल कॉलेज वो सब एनपीओ के अंडर में आती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लक्ष्मी हॉस्पिटल वो लोग फाइनल अकाउंट नहीं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते, लेकिन वो कौन सा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एनपीओ वाला, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न वाला, राइट। तो यहाँ पे ये जो वैन विद्या मंदिर, देन लक्ष्मी हॉस्पिटल, देन मनोज स्पोर्ट्स क्लब, ये सारे के सारे एनपीओस के अंडर में आने वाले नेम्स है। और ये रिलायंस इंडस्ट्री ये ट्रेडिंग कंपनी है, ये ट्रेडिंग कंपनी जहाँ पे है ना प्रॉफिट मोटिव है इनका, राइट। तो ये है ना जो हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया था, तो ये उसी के जैसे ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का अकाउंट, यहाँ पे कंपनी अकाउंट प्रिपेयर होता है, तो ये यहाँ पे ऑड वन आउट हो गई, ये इंडस्ट्री ऑड वन आउट हो गई, ये इनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना है। देन द फिफ्थ वन इज व्हाट, सर्विस, सॉरी सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एनपीओ में सरप्लस आता है, डेफिसिट आता है, कैपिटल फंड आता है, ये तीनों आइटम एनपीओ के अंडर में आ जाता है। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये है ना कैटेगरी एनपीओ का नहीं है, ये आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग जो सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट उन सब का के अंडर में, मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो वहाँ पे, तब आपको नेट प्रॉफिट वाला केस आता है, तो यहाँ पे ये ऑड वन आउट हो गया। तो इस तरीके से आपके ये जो मैंने जो है ना आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन वो कवर अप किया। तो ये वाला जो कैलकुलेट द फॉलोइंग है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगी, और आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर्स है आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, यू ऑल कैन डू इट। ये मैंने थियरी में भी पूरा कवर अप किया था, अभी आप इनको लिख सकते हो, क्योंकि ये कैसे ना कैसे ऊपर फिलअप वगैरह में और इस एमसीक्यूज में ये आ ही गए हैं। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया है, कुछ डिफिकल्टी नहीं लग रही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।